महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहा हूँ। मैं मेरा नाम निकाल के आया हूँ और मेरा नाम मैं किसी रोकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरा नाम आया तो मेरी नौकरी और मेरे परिवार खतरे में आ सकता है। इसलिए मैं ये बहुत बड़ी जवाबदारी उठा रहा हूँ जो आपके सामने हो जाए। मैं महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस से हूँ। इसमें मुंबई पुलिस की कोई ही गलती नहीं है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है और सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है जो मुंबई पुलिस के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, जो केस को दबाना चाहते हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। ये प्रेशर ऊपर से आ रहा है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, इसने ये मर्डर किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस आप इशारों में समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसमें बॉलीवुड के महान शख्सियत बड़े स्टार, अब इशारा इशारा देखना, इशारा पकड़िए आप, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो फिलहाल के बड़े स्टार है, जिसके हाथ के नीचे पूरी बॉलीवुड चलती है, उसमें उसमें सबका बड़ा हाथ है। इसमें महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है वो इसमें बहुत बड़े इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका एक परिवार का सदस्य उसमें है। तो ये केस और ये सब लोग महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये दबाव बनाने के बाद महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। बिहार पुलिस को जब यहाँ भेजा गया तब हमको ये बोला गया था कि उनको ये केस से दूर रखें, ये केस की दूसरे केस में उलझा है, ये बताया गया था। तो इसमें कृपया आप गलतफहमी मत करिए कि महाराष्ट्र पुलिस बदनाम है या काम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, दबाव के नीचे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं एक इंसानियत के दौरे पे मैं आपको आपके सामने आया हूँ, कृपया आप ये समझ जाइए। मैं मेरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरा नाम आ गया मेरे परिवार खतरे में पड़ जाएगा और मेरी नौकरी चल जाएगी। आपसे गुजारिश करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, और महाराष्ट्र पुलिस की मजबूरी है, कृपया आप इसे समझे, अलग वैसे ना लें। और एक बार और कहना चाहता हूँ कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस कोई गलती नहीं है, इसमें महाराष्ट्र की सरकार, बॉलीवुड का बड़ा स्टार एक जन को बचाने में लगा है, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा। उसका नाम है सूरज पंचोली। सूरज पंचोली मुख्य इसमें गुनहगार है जिसने ये सब कांड किया है। कृपया आपको बात समझ में आ गई।